देश की आर्थिक राजधानी वाले राज्य में चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि महाराष्ट्र में कौन जीतेगा। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी महाराष्ट्र में हरियाणा वाला खेला दोहरा पाएगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले सेटबैक ने मोदी मैजिक पर सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन हरियाणा जीतकर बीजेपी ने सबको चुप करा दिया है। हरियाणा के गांवों में चुप्पी है, सन्नाटा है। बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ चुकी है, आंदोलन करने वाले निराश हैं, जनता की बात करने वाले चुप हैं, लेकिन महाराष्ट्र पर उनकी नजरें हैं। संविधान और लोकतंत्र में यकीन करने वाले मराठा योद्धाओं पर नजर जमाए हुए हैं। आखिर कौन जीतेगा महाराष्ट्र, किसकी बनेगी सरकार, आज के इस वीडियो में ये बातें नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। बात इस पर होगी कि बीजेपी के लिए महाराष्ट्र का हरियाणा कर पाना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है महाराष्ट्र में मराठों को विलन साबित कर देना, कितना आसान है उद्धव ठाकरे को मात देना, और कितना आसान है अजीत पवार के लिए अपनी पार्टी को संभाल पाना। बात इस पर भी होगी कि आखिर चुनाव आयोग महाराष्ट्र में क्या कर रहा है, किस तरह ईवीएम मशीनों पर चुनाव चिन्ह की लड़ाई है, कैसे महाराष्ट्र की राजनीति हरियाणा से अलग है, क्या मराठा आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाले मनोज जरांगे पाटिल असरदार साबित होंगे, क्या ईडी से क्लीन चिट मिलने के बाद नायडू रंग बदलेंगे। इन सभी पॉइंट्स पर एक एक करके एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, वीडियो अंत तक देखिएगा। चुनावी सिस्टम को साम दाम दंड भेद से हैक करने की साजिशों के बीच जनता का समर्थन ही हमारी ताकत है। इससे पहले कि हम महाराष्ट्र की राजनीति का पोस्टमार्टम शुरू करें, आप सभी दर्शकों से एक छोटी सी अपील है, अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टर्न से। इसके अलावा यदि हो सके तो इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि आप भी जानते हैं हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपके मुद्दों पर मुखरता से स्पष्टता से बात कर पाते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र की राजनीति ने बदलाव देखा है। यहां हरियाणा की तरह कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई नहीं है, एक दर्जन से ज्यादा पार्टियां हैं और इन पार्टियों के बीच दो बड़े गठबंधन हैं। पहला गठबंधन है सत्ताधारी पार्टियों का, बीजेपी सिंधे सेना और अजीत पवार की एनसीपी का। दूसरा गठबंधन है कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी का। इनके अलावा असदुद्दीन ओवैसी, प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी और राज ठाकरे की पार्टी भी है। ये तीनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। छोटी छोटी पार्टियों का एक तीसरा गठबंधन भी चुनावी मैदान में है। इसे संभाजी राजे छत्रपति, राजू सेट्टी, बच्चू काड़ू लीड कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम को देखें तो कांग्रेस की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी बीजेपी के गठबंधन पर भारी पड़ रही है। महाराष्ट्र में हरियाणा की तरह 90 सीटें नहीं है, यहां 288 सीटें हैं जहां चुनावी लड़ाई होगी, यानी इन्हें मैनेज करना जरा मुश्किल काम है। बीजेपी कम से कम 150 सीटों पर लड़ना चाहती है, यानी 130 सीटों पर दूसरी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, 130 से भी ज्यादा पर। ये सीटें सिंधे सेना और अजीत पवार में बटेंगी, तो कांग्रेस के साथ सीधी टक्कर जैसी कोई स्थिति नहीं बनती। ये हरियाणा के उलट है, यहां उद्धव ठाकरे और शरद पवार का साथ कांग्रेस को मिलेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों को अगर विधानसभा के स्तर पर देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी आगे है। लोकसभा की 48 सीटों में से कांग्रेस को 13, बीजेपी को 9, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी 9, शरद पवार की एनसीपी को 8, सिंधे सेना को 7 और अजीत पवार की एनसीपी को मात्र 1 सीट मिली थी। 1 सीट पर निर्दलीय जीता था जिसने कांग्रेस को समर्थन दिया। अब इस प्रदर्शन को विधानसभा के स्तर पर देखें तो बीजेपी 83 सीटों पर आगे है, लेकिन 2019 के मुकाबले उसे 22 सीटों का नुकसान हो रहा है। पिछली बार बीजेपी उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर लड़ी थी, ऐसे में बीजेपी का चैलेंज बड़ा है, लेकिन उद्धव की शिवसेना 56 सीटों पर आगे है और उसे 41 सीटों का फायदा हो रहा है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 38 सीटों पर बढ़त है, लेकिन 3 सीटों का नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को है जिसे 63 सीटों पर बढ़त है, उसे 18 सीटों का फायदा है। शरद पवार की एनसीपी 32 सीटों पर आगे है और उसे 20 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। अजीत पवार की एनसीपी सिर्फ 6 सीटों पर आगे है और उसे 35 सीटों का नुकसान हो रहा है। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर थी। लोकसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियों का गठबंधन 5-5 सीटें जीतने में सफल रहा, लेकिन महाराष्ट्र में अलग कहानी है। बीजेपी अगर 150 सीटों पर लड़ती है तो एकनाथ शिंदे कितनी सीटों पर लड़ेंगे, अजीत पवार के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, शिंदे और अजीत पवार के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन अजीत पवार को कम सीटें मिली तो पार्टी के ज्यादातर नेता पाला बदल सकते हैं। यही संकट एकनाथ शिंदे के साथ भी है, उनके यहां से भी घर वापसी हो सकती है।
हालांकि उद्धव ठाकरे ने गद्दारों को पार्टी में लेने से इनकार कर दिया है। आंकड़ों से साफ है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन आगे है, तुलनात्मक रूप से बहुत ही आगे है, लेकिन चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर चलता है। इसे कहने में कोई शक सुबह नहीं होना चाहिए। शरद पवार की पार्टी ने अजीत पवार के घड़ी चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। पवार की पार्टी ने यह भी कहा था कि उनको मिले सिंबल तुतारी से मिलते जुलते सिंबल पिपनी को बैन किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने इस सिंबल को बैन नहीं किया। शरद पवार की पार्टी को डर है कि लोग पिपानी को तुतारी समझ सकते हैं और इससे वोटों का बंटवारा हो सकता है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी के सवाल के जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम मशीन पेजर से भी ज्यादा सुरक्षित है। अलवी ने कहा था कि जिस तरह इजराइल ने हजारों पेजर्स को हैक करके एक साथ ब्लास्ट कर दिया, उसी तर्ज पर ईवीएम भी हैक हो सकता है। उधर चुनाव आयोग के मुखिया यानी मोदी के ब्लू आईज बॉय राजीव कुमार ने तो टीवी चैनलों की कवरेज पर भी सवाल उठा दिया और उन्हें नॉनसेंस तक कह दिया और कहा कि चुनावी गिनती तो 8:30 बजे से शुरू होती है, लेकिन 8:05 से टीविया वाले रुझान दिखाने लगते हैं। लेकिन राजीव कुमार से किसी ने यह नहीं पूछा कि भैया जी, पेपर बैलेट की गिनती तो ईवीएम से पहले ही करते हो ना, और हर बार मतगणना 8 बजे शुरू होती है, तो 8:30 बजे की दुहाई काहे दे रहे हो भाई। मजेदार बात यह है कि किसी ने राजीव कुमार से यह नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर में तो चैनलों का एग्जिट पोल और रिजल्ट का प्रेडिक्शन सब सही हुआ, लेकिन हरियाणा का ही जांच क्यों कर रहे हैं आप। कांग्रेस के सवालों पर राजीव कुमार ने कहा कि ईवीएम 100% सेफ है, जनता ने जवाब दे दिया है। मतलब जिन चुनावी परिणामों पर कांग्रेस सवाल उठा रही है उसी को केंचुआ जायज ठहरा रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग सिंगल फेज में वोटिंग करवा रहा है, लेकिन झारखंड में 2 फेज में वोटिंग हो रही है। झारखंड में सिर्फ 81 सीटें हैं। कांग्रेस इस बात को समझती है, इसलिए पार्टी ने अपने उम्मीदवारों और नेताओं को हरियाणा से सबक लेने को कहा है। महाराष्ट्र का चुनाव इंडिया अलायंस और मोदी दोनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। 2024 में महाराष्ट्र का चुनाव आखिरी चुनाव है जहां इंडिया अलायंस लड़ रहा है। इसके बाद 2025 में दिल्ली का चुनाव होगा जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद दिसंबर 2025 में बिहार का चुनाव होगा जहां इंडिया अलायंस नीतीश कुमार से भिड़ेगा। ऐसे में इंडिया अलायंस चाहेगा कि महाराष्ट्र में वो सरकार बनाए और मोदी के खिलाफ नैरेटिव को मजबूत करे, लेकिन मोदी को पता है कि महाराष्ट्र का मोल हरियाणा से कहीं ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। महाराष्ट्र हारने का मतलब है कि बहुत कुछ हाथ से निकल जाएगा, अडानी की परेशानियां बढ़ जाएंगी, अब तक तो पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं लगातार, देश में भी बढ़ जाएंगी। इसलिए मित्रों को बचाए रखने के लिए मुंबई जीतना जरूरी है और इसके लिए मोदी और अमित शाह कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी। महाराष्ट्र का रिजल्ट दिल्ली की कुर्सी हिलाने की ताकत रखता है। शिंदे सेना और अजीत पवार का वजूद खत्म हो सकता है, इसलिए शिंदे और अजीत पवार को अपनी पार्टी और सियासी वजूद को बचाना है तो महाराष्ट्र जीतना ही होगा। बीजेपी ने तो शिंदे से साफ कह दिया है कि जिन विधायकों से जनता नाराज है उनके टिकट काटिए। क्या शिंदे बीजेपी की बात को इग्नोर कर पाएंगे? अगर करेंगे तो क्या पार्टी में टूट नहीं होगी? क्या बागी नेता नुकसान नहीं करेंगे? दूसरी ओर उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने लोकसभा चुनाव में साबित किया कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी वे पार्टी को दोबारा खड़ा कर सकते हैं क्योंकि जनता उनके साथ है। उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार संख्या में भले ही कम जीते हों, लेकिन ठाकरे ने दिखा दिया कि बाल ठाकरे के असल उत्तराधिकारी वही हैं और विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की राजनीति में पुराना रुतबा लौट सकता है। भाजपा के लिए मुश्किल ये है कि देवेंद्र फडणवीस फंस गए हैं, उन पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का दबाव है। पार्टी लोकसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित तो है, लेकिन मराठा और धनगर आंदोलन ने बीजेपी के माथे पर पसीना ला दिया है। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने तो फडणवीस पर सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं। जरांगे का कहना है कि फडणवीस ने उनके आंदोलन के खिलाफ साजिशें की। अजीत पवार के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि उन्हें शरद पवार से भी लड़ना है। हर मराठा जानता है कि एनसीपी का मतलब शरद पवार है और बारामती से लोकसभा हारने के बाद अजीत पवार को अपना दमखम साबित करना है। अजीत पवार अगर 20 सीट जीत जाते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में उनका दबदबा दिखेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी उन्हें कितनी सीट लड़ने के लिए देगी। आरएसएस खुलकर अजीत पवार का विरोध कर चुका है, बावजूद इसके मोदी और शाह ने अजीत दादा को अपने साथ रखा है। देखना होगा मोसा का यह फैसला कितना मुनाफा देता है। मोसा मतलब मोदी शाह। 84 साल के शरद पवार महाराष्ट्र में अपने गढ़ मराठवाड़ा में एक एक सीट पर मार्किंग करने में जुटे हैं। बहुत सारे नेताओं ने अजीत पवार का साथ छोड़कर शरद पवार के साथ जाने का फैसला किया है। ये बताता है कि पवार अब भी
पावर हाउस हैं। 10 लोकसभा सीटों में 8 सीटें जीतकर पवार ने साबित कर दिया है कि वे अपनी लड़ाई इस उम्र में भी पूरी मजबूती से लड़ सकने की क्षमता रखते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अगर सीधे तौर पर कहीं मजबूत हुई है तो वो महाराष्ट्र ही है। अशोक चव्हाण के पार्टी छोड़कर जाने के बाद भी कांग्रेस ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की अलग अपील है, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आता। पार्टी ने हरियाणा वाली गलतियां नहीं दोहराई तो कांग्रेस महाराष्ट्र में चौंका सकती है। महाराष्ट्र के नेताओं को सीएम बनने की लड़ाई से ऊपर उठना होगा। कांग्रेस अगर ऐसा कर पाई तो महाराष्ट्र की राजनीति में वो किंग बन सकती है। पार्टी को पता है कि अगर उसे महाराष्ट्र में अपना सीएम चाहिए तो उद्धव ठाकरे से बेहतर प्रदर्शन करना होगा। ठाकरे के सामने शिंदे की चुनौती है। मुंबई और कोंकण के इलाके में एकनाथ शिंदे की उद्धव के साथ सीधी लड़ाई होनी तय है। उद्धव ठाकरे के लिए यह सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई है। उद्धव के उलट सत्ता में वापसी के लिए शिंदे ने लड़की बहन योजना पर दांव खेला है। जनता में इस योजना का असर हो इसके लिए बीजेपी ने महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा के साथ नहीं करवाया, ऐसी चर्चा है। और अगर बीजेपी नहीं चाहती तो चुनाव आयोग भी नहीं चाहता और नहीं चाहा। बहुत लोगों को ये बात बहुत बाद में समझ में आई है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी और शिंदे ने लड़की बहन योजना के साथ दूसरी योजनाओं के लिए खुलकर पैसा लुटाया है, उसने सीधे तौर पर साफ कर दिया है कि बीजेपी और शिंदे के पास वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा बचा नहीं है। लेकिन जनता हर बार पैसा लेकर वोट दे ऐसा होता नहीं। तेलंगाना में केसीआर ने चुनाव से पहले खूब पैसा बांटा, खूब लुटाया। किसानों से लेकर महिलाओं के लिए सीधे कैश देने वाली योजनाएं चलाई थी, लेकिन जनता ने एक बार मन बना लिया तो फिर केसीआर की विदाई हो गई। तेलंगाना में कांग्रेस जबरदस्त बहुमत के साथ सत्ता में आई है, लेकिन बीजेपी तेलंगाना नहीं मध्य प्रदेश को देख रही है। पार्टी एमपी की तरह प्रचंड बहुमत हासिल करने की फिराक में है। महाराष्ट्र में किसानों के लिए घाटे की खेती एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी और महंगाई से जनता त्रस्त है। इसका फायदा कांग्रेस के गठबंधन को मिला है, इसलिए मोदी ने जून 2024 के बाद प्याज के निर्यात पर लगे बैन को हटाया और सोयाबीन को एमएसपी पर खरीदने का प्रावधान किया। हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में कोई किसान आंदोलन उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में खेती का एक बड़ा मुद्दा है। मराठा जाति पूरी तरह से खेती पर निर्भर है और महाराष्ट्र में मराठों की आबादी 35-40% है। इसके बाद ओबीसी का नंबर आता है। हरियाणा में जाटों की आबादी 20-25% है और बीजेपी जाट बनाम गैर जाट खेल गई, लेकिन महाराष्ट्र में मराठा बनाम गैर मराठा करने के बावजूद बीजेपी के लिए चीजें आसान नहीं होने वाली। मराठा, मुसलमान, दलित, आदिवासी और ओबीसी की जातियों को मिला दें तो कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन का वोट प्रतिशत 60 के पार जाता है। हरियाणा के मुकाबले में महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटरों की संख्या कहीं ज्यादा है। महाराष्ट्र में 11% के करीब मुस्लिम वोटर हैं। प्रकाश अम्बेडकर और रामदास अठावले की पार्टियां दलित वोटरों की दावेदार हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस की इमेज में एक बड़ा बदलाव आया है। राहुल गांधी अब 2019 के राहुल गांधी नहीं है, इसलिए दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस की झोली में आ सकता है। पिछले चुनाव में आया भी है। महाराष्ट्र में धनगर समाज खुद को आदिवासी घोषित करवाने की लड़ाई लड़ रहा है। एनसीपी के विधायकों ने ही महाराष्ट्र सचिवालय की बिल्डिंग से कूदकर इसका विरोध किया था। ये विधायक एकनाथ शिंदे के फैसले का विरोध कर रहे थे। दूसरी ओर ओबीसी मराठों को अपने कोटे से आरक्षण देने का विरोध कर रहे हैं। इसी रस्साकसी के बीच खड़े हैं मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल। पाटिल ने ऐलानिया कहा है कि जब तक मराठा आरक्षण पर फैसला नहीं हो जाता राज्य में चुनाव का ऐलान नहीं होना चाहिए। अब जबकि चुनाव का ऐलान हो गया है तो जरांगे पाटिल ने अपने उम्मीदवार उतारने की बात की है। उन्होंने बीजेपी और फडणवीस को चेतावनी दी है। पिछले एक साल में जरांगे पाटिल ने मराठा आरक्षण के लिए 6 बार भूख हड़ताल की है। पाटिल की मांग है कि मराठों को ओबीसी की कुनबी जाति का सर्टिफिकेट दिया जाए, लेकिन पाटिल की इस मांग के खिलाफ ओबीसी नेता खड़े हो गए हैं। ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके ने तो पाटिल की मांग के खिलाफ राजनीतिक पार्टियों को चेतावनी तक दे दी है। हाके ने बीजेपी के गठबंधन को हड़काते हुए कह दिया है कि जिन लोगों ने हमारा साथ दिया उनके 50 विधायकों को जिताएंगे और जिन्होंने ओबीसी आरक्षण के खिलाफ साजिश की उनके 50 विधायक हराएंगे। लेकिन आरक्षण की ये लड़ाई कांग्रेस और शरद पवार के लिए भी कोई शुभ संकेत नहीं है। बीते दिनों मराठा ने शरद पवार को भी घेर लिया, पवार के खिलाफ नारेबाजी हुई। इसके बाद ही सीनियर पवार ने आरक्षण के दायरे को 50% से ज्यादा करने की मांग कर डाली। दरअसल मराठा नेता शरद पवार से उनके घर पर मिले थे। 4 अक्टूबर को पवार ने कहा कि अगर महाराष्ट्र की सरकार आरक्षण को 75% करने का विधेयक लेकर आती है तो उनकी पार्टी सपोर्ट करेगी। लेकिन जरांगे की मांग है कि मराठों को ओबीसी में शामिल किया जाए और ओबीसी जरांगे की मांग का विरोध कर रहे हैं। यहां ये बात ध्यान रखने वाली है कि महाराष्ट्र में ओबीसी जातियों को बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है। मराठों में शरद पवार की पकड़ मानी जाती है और कांग्रेस के साथ मुस्लिम, दलित और मराठे जोड़कर देखे जाते हैं। शिवसेना की पहचान मराठी अस्मिता की राजनीति की रही है। महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि यहां भी जाति का सिक्का खूब
खूब चलता है। जातियों के आरक्षण का आंदोलन राजनीतिक लीडरशिप को स्थापित करता है और महाराष्ट्र में जरांगे पाटिल यही करना चाहते हैं। देखना होगा कि उनके चुनाव लड़ने से किसे फायदा होता है और किसे नुकसान होता है। महाराष्ट्र में चुनाव कई मोर्चों पर लड़ा जाएगा, ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई बिल्कुल नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र में हरियाणा दोहरा पाना आसान तो नहीं होने वाला है। लेकिन बीजेपी के पास चुनाव आयोग है, ईवीएम है, सत्ता है, सिस्टम है, विपक्ष के पास लड़ने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मोदी खुद को मजबूत करते जा रहे हैं। 2024 के चुनाव नतीजों के बाद मोदी की बैसाखी बने चंद्रबाबू नायडू को इनाम मिल गया है। ईडी ने 371 करोड़ के स्किल डेवलपमेंट घोटाले में क्लीन चिट दे दी है। येलो कमीज पहनने वाले चंद्रबाबू नायडू अब उजला सी सफेदी पा गए हैं। जगनमोहन रेड्डी की सरकार के दौरान चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ सीआईडी ने मामला दर्ज किया था और इसी की बिना पर ईडी ने कार्यवाही शुरू की थी। 31 अक्टूबर 2023 को जमानत पर बाहर आने से पहले चंद्रबाबू नायडू को 53 दिन जेल में बिताने पड़े थे। मामले की जांच कर रही ईडी ने दूसरे आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लगाया है, लेकिन ईडी को नायडू के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि 5 अप्रैल 2024 को ही सीआईडी ने नायडू के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, लेकिन 2 महीने बाद ही उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। लोकसभा चुनाव नतीजों के पूरे 5 महीने बाद नायडू को इस केस में राहत मिली है। आंध्र के सीएम अब आजाद हैं। देखना होगा कि साइकिल की सवारी करने वाले नायडू आने वाले दिनों में कौन सी चाल चलते हैं। अक्टूबर की शुरुआत में ही जाति जनगणना की मांग करके वे एनडीए की दूसरी पार्टियों के सुर में सुर मिला चुके हैं। देखना यह भी है कि नायडू की मांग पर दिल्ली कैसे रिएक्ट करती है। वैसे महाराष्ट्र के चुनावी परिणाम का इंतजार नायडू के साथ साथ नीतीश भी बड़ी बेचैनी से करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।